पान मछली और मखान कोसी और सीमांचल इलाके की हमेशा से पहचान रही है। कभी इस इलाके के हर गांव में कई तालाब हुआ करते थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ नदी की धारा सूखने लगी तो धीरे धीरे तालाब में पानी का लेवल भी घटने लगा। वहीं बढ़ती आबादी की वजह से लोग भी बंगाल और आंध्र प्रदेश की मछलियों पर निर्भर होते चले गए। इस निर्भरता को खत्म करने का बीड़ा उठाया मधेपुरा के एक शिक्षित और प्रगतिशील किसान ज्योति मंडल ने। मधेपुरा जिले के बकड़ी गांव के प्रगतिशील किसान ज्योति मंडल मछली पालन कर एक मिसाल कायम की है। मंडल जी एक साल में मछली पालन कर करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। ज्योति मंडल अपने छात्र जीवन में भी काफी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बिहार के मशहूर पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से MA और MPhil की पढ़ाई की थी। 1982 में JNU से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय खेती किसानी को चुना और साल 1982 में दिल्ली से लौटकर सीधे बकरी गांव आ गए। ज्योति मंडल ने पहले तो गांव में 40,000 शीशम के पेड़ लगाए और फिर मछली पालन का काम शुरू कर दिया। साल 1982 से लेकर 2020 तक के लंबे समय में ज्योति मंडल ने मछली पालन के क्षेत्र में सफलता का झंडा गाड़ दिया। आइए आप ज्योति मंडल जी से ही सुनिए उनकी सफलता की अनोखी कहानी। 87 में एडमिशन लिए थे और 82 में वहाँ से हम निकले हैं फिल्म में MA पास करने के बाद। उसके बाद कब गांव आए मछली पालन का काम करते हैं? 1982 में ही गांव चले आए थे JNU से सीधे। हमने कोई दूसरा जॉब के लिए ट्राई भी नहीं किया था और यहाँ आकर के हमने प्लांटेशन करीब 40,000 शीशम का पेड़ लगाया था और 2-3 एकड़ में तालाब बनाया था। मछली पालन से लगभग कितनी अब कमाई हो जाती? मछली पालन से हम यह कह सकते हैं कि करोड़ों की कमाई लगभग हो जाती है। ज्योति जी की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर बिहार के लाखों किसानों को हौसला मिल सकता है। मधेपुरा जिले के बकड़ी गांव को वैसे भी तालाबों का गांव कहा जाता है। इस गांव में 20 से ज्यादा तालाब हैं। ज्योति मंडल के पास भी कुल 8 तालाब हैं। हालांकि ज्योति मंडल ने कहा कि अगर किसी के पास एक बीघे का तालाब भी हो तो वो मछली पालन कर बड़े आराम से लाखों रुपए की कमाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मदद करे तो मछली पालन कर उत्तर बिहार के किसानों की आमदनी 100 गुना तक बढ़ सकती है। मेरा ये कहना है कि किसी के पास अगर 2 बीघा भी जमीन है तो वो 1 बीघा अगर वाटर एरिया बना लेता है तो कम से कम 5 लाख से 50 लाख रुपया साल का कमाई उसका आराम से हो सकता है। सरकार से क्या कुछ कहना? सरकार इसमें पूरी सरकार की पूरी मदद चाहिए। जिस तरह से अगर एक बार पूरे गांव को या पूरे नॉर्थ बिहार को अगर सरकार मदद करे, बैंकों से लोन दिलाने में सरकार अपने तरफ से मदद करे तो पूरे किसान का पर कैपिटा इनकम जितना भी है उसमें 100 गुना का इजाफा होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो उस आदमी का 100 गुना जब इजाफा होगा तो उसकी सारी माली हालत बदल जाएगी। कोसी और सीमांचल के इलाके की करोड़ों जनता पलायन की मार से जूझ रही है। पलायन की इस समस्या के निदान के लिए ज्योति मंडल के पास मछली पालन का रामबाण है। मंडल ने कहा कि अगर सरकार मछली पालन को बढ़ाने में किसानों को कर्ज दे तो पलायन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मंडल जी खुद ही 40 से 50 लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया करा रही हैं। पलायन तो कंप्लीट रुक जाएगा क्योंकि हर आदमी को काम मिल जाएगा। एक आदमी जब 5 लाख रुपया का मछली निकालेगा तो उससे 5 आदमी का परिवार पलाता है। कितने लोगों को रोजगार अभी आप दे पा रहे हैं? हम तो यहाँ पे 40-50 आदमी को रोजगार दे पा रहे हैं। ज्योति मंडल केवल मछली पालन तक ही खुद को सीमित नहीं रख पाए, अब उन्होंने मधेपुरा में फीड फैक्ट्री भी बनाकर तैयार कर दी है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बिहार का ये पहला फीड फैक्ट्री है जिसमें मछली और मुर्गा के खाने का दाना तैयार किया जाएगा। दरअसल ज्योति मंडल को मछलियों के खाने का दाना हैदराबाद से मंगाना पड़ता था। हैदराबाद से इस दाने को बिहार के मधेपुरा जिले तक लाने में हर साल 10 लाख रुपए का खर्च आता था। ऐसे में ज्योति मंडल को अपने गांव में ही फीड फैक्ट्री बनाने का आइडिया सूझा। अब इस आइडिया को ज्योति मंडल जी ने हकीकत में तब्दील कर दिया है। अपने गांव में ही उन्होंने फीड फैक्ट्री बना दिया है। इस फैक्ट्री में वियतनाम की टेक्नोलॉजी से चारा तैयार किया जाता है। ये मामूली बात नहीं है कि ज्योति मंडल ने एक छोटे से गांव में बिहार का पहला फिश और पोल्ट्री फीड फैक्ट्री तैयार कर दिया है। इस फैक्ट्री से हर घंटे में 1 टन चारा बनकर तैयार होगा। मछली पालते हैं और हम मछली पालने के लिए दाना इसका फीड मंगाते थे आंध्रा से। वहीं पर ग्रोवेल कंपनी थी, कारगिल कंपनी थी, उसी से दाना मंगाया करते थे। तो कैरेज कॉस्ट ही हमको हर साल कम से कम 8 से 10 लाख, एक ट्रक में 1 लाख रुपया लगता था। 8-10 ट्रक मंगाते थे तो 10 लाख रुपया करीब करीब कैरेज कॉस्ट हमको लग जाता था। इसी पर हमने सोचा कि क्यों नहीं दाना का फैक्ट्री बैठाया जाए। चूंकि बिहार में नहीं है, यहाँ का नियरेस्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ है। बिहार का ये पहला फिश फीड फैक्ट्री है
जिसमें कि हमारा दावा है जो वियतनाम का टेक्नोलॉजी, ICR का जो बड़े साइंटिस्ट है उनका टेक्नोलॉजी, और बिहार के जो बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, मछली विभाग के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनकी मदद से बेस्ट फॉर्मुलेशन का फीड यहाँ मिलेगा। ज्योति मंडल से प्रभावित होकर इलाके के कई किसानों ने भी मछली पालन के काम में हाथ आजमाया। इस सूची में गिरधारी मुखिया नाम के किसान भी शामिल हैं। गिरधारी जी ने कहा कि वो मछली पालन कर हर साल 40 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक एकड़ में मछली पालन किया जाए तो 10 परिवार का भरण पोषण आसानी से किया जा सकता है। हम खेती शुरू की है 15 का, और अभी हम उसी 20,000 बच्चा से लगभग करीब 5 लाख मछली पालते हैं। सालाना इनकम मेरा कम से कम 30-35-40 लाख रुपया हो जाता है, और ये एक एकड़ में अगर सही सलामत किसान ढंग से खेती करे तो 10 परिवार का मेंटेन आराम से हो जाएगा, कहीं नहीं जाने का जरूरी पड़ेगा। ज्योति मंडल कोसी और सीमांचल के लाखों किसानों के लिए उम्मीद की रोशनी बिखेर रहे हैं। अगर सरकार सहयोग दे तो किसान भी ज्योति जी के दिखाए रास्ते पर चलने की ठान ले तो वो दिन दूर नहीं जब मछली पालन में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को बिहार पीछे छोड़ देगा। अगर ऐसा हो गया तो किसानों की आमदनी कई गुना तो बढ़ ही जाएगी। इसके अलावा कोसी और सीमांचल के 9 जिलों के माथे पर लगा गरीबी का कलंक भी हमेशा के लिए धुल जाएगा। माछ, मखान और पान कोसी एरिया की पहचान रही है। समय के बदलते यह पहचान भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। वहीं मधेपुरा जिला के बखरी गांव के ज्योति मंडल किसान ने इस पहचान को नई आयाम देने का काम किया है। आइए हम सीधे चलते हैं बखरी गांव, जिस गांव में 20 तालाब है जिसमें से 8 तालाब ज्योति मंडल के पास है, और ज्योति मंडल सरकार के सहयोग से धीरे धीरे इस काम को अंजाम दिए हैं, जहां के किसान भी अब धीरे धीरे मछली पालन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन्होंने शुरू में हैदराबाद से मछली के ब्रीड मंगाते थे और मछली के भोजन मंगाते थे, काफ़ी लागत होती थी। अब बिहार में पहला फिश फीड का इन्होंने एक फैक्ट्री खोल रखा है, जिसमें 50 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे में सरकार को भी इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा, और इसको बढ़ावा देने के लिए ज्योति मंडल से किसान को काफ़ी मदद भी करना होगा। इस वक्त मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।